So, hello everyone. Myself Sakshi Parashar. I am third year medical student from MBBS MC Mirzapur. I was selected in NEET in 2021 with a score of 598 and All India rank 90,802. So, मैंने अपनी CSS classes के preparation start करी थी 12th class के mid में 2018 में. तो मैंने सिर्फ बोर्ड्स के पर्पज़ से तैयारी स्टार्ट करी थी. मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं नीट दूंगी और नीट के हिसाब से मैं तैयारी नहीं कर रही थी. तो 2019 में मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, मेरे 96% आए थे. तो उस साल तो मेरा सिलेक्शन होना नहीं था क्योंकि 11th क्लास में मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी नहीं और मेरा फिज़िक्स बहुत ही वीक था. तो जहाँ तक मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने 2019 से नीट के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया. तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती थी क्योंकि 11th क्लास का बेसिक से क्लियर नहीं था, ना फिज़िक्स का, वेक्टर्स का, ना मैकेनिक्स का, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था. तो थैंक्स टू अवर सर कि उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब फाउंडेशन में और टारगेट में कोई डिफरेंस नहीं था, उन्होंने टारगेट में भी, जैसे फाउंडेशन में वो डेप्थ में पढ़ाते हैं वैसे टारगेट में पढ़ाते हैं, बहुत ही डेप्थ में उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया. और कहा मैं स्टार्टिंग में मेरे 15 तक MCQ सही होते थे फिज़िक्स में, लास्ट तक जाते जाते मैं 35 प्लस, कभी कभी 40, इतना मेरा टच हो जाता था. तो उसके वजह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि हाँ, अब तो मैं कर सकती हूँ. कि फिज़िक्स एक बार होने लगता है तो केमिस्ट्री और बायो तो मतलब सबकी सही रहती है. बायोलॉजी के स्टूडेंट की क्या दिक्कत होती है, फिज़िक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केमिस्ट्री और बायो तो हम कर लेते हैं रट्टा मार के, लेकिन फिज़िक्स के लिए तो कॉन्सेप्ट चाहिए. मैं यहाँ की फैकल्टीज़ के बारे में बताऊँ तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबके टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं. हमें उस हिसाब से पढ़ाते हैं जिस हिसाब का हमें रिक्वायरमेंट है. जैसे फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स बहुत ज़्यादा चाहिए नीट के स्टूडेंट्स को क्योंकि IIT में तो बहुत पूछता है. नीट के हिसाब से हमें बेसिक्स चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे जो SK पांडे सर हैं फिज़िक्स के, डायरेक्टर हैं कोचिंग के, वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और डेप्थ इतने सिंप्लीफाइड वे में क्वेश्चंस करना बताते हैं कि जिसको बिल्कुल फिज़िक्स नहीं आती, जैसे कि मैं, मुझे बिल्कुल फिज़िक्स नहीं आती थी, उनको भी मतलब कॉन्फिडेंस गेन होने लगेगा टाइम के साथ साथ कि हाँ, वो कर सकते हैं. और एक बार अगर फिज़िक्स में गेन हो जाता है कॉन्फिडेंस तो बायो और केमिस्ट्री तो उतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं. और केमिस्ट्री के टीचर की मैं जहाँ तक बात करूँ तो बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं. आप जिस भी टाइम क्वायरी लेके आप जाओगे तुरंत तुरंत आपकी क्वायरी सॉल्व होगी. जूलॉजी, बॉटनी, मतलब सबके टीचर्स ऐसे हैं कि ट्रिक के वे में हमें मेमोराइज कराते थे पूरा बायोलॉजी. और टाइम टू टाइम पूछना, टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट होना, पार्ट टेस्ट होना, इन सब से हमारा रिवीजन काफ़ी अच्छे से होता रहता था. तो जो भी बच्चा घर पे रहकर तैयारी करना चाहता है, और घर पे तैयारी करना इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, घर का माहौल मिलना, घर का खाना खा के, घर का इन्वायरमेंट, मतलब बेस्ट होता है. क्योंकि कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो एक दो महीने तो हमें उनके एनवायरनमेंट में ढलने में लग जाता है. तो वो समय यूटिलाइज़ करके घर से अगर आपको बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टीज़ मिल रही हैं तो आपको उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए. और मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ CSS क्लासेस. तो मेरे हिसाब से जो जौनपुर का बच्चा है उसे कोई ज़रूरत नहीं कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का या किसी और कोचिंग का मॉड्यूल लेने का, क्योंकि कोचिंग के खुद के मॉड्यूल्स इतने अच्छे हैं और उसमें इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं कि जो सर टॉपिक पढ़ा रहे हैं वही टॉपिक का आप रिवाइज करके उतने क्वेश्चंस आप सॉल्व करें और जो क्वेरीज है वो सर से आप पूछें. तो एक अटेम्प्ट में, मैक्सिमम दो अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है. क्योंकि जिस हिसाब से हमें गाइडेंस मिलती है और जिस हिसाब से मोटिवेशन मिलता है उस हिसाब से तो मुझे नहीं पता कि और किसी इंडिया की कोचिंग मिलता होगा कि नहीं. तो आई थिंक यू शुड ट्राई CSS क्लासेस एंड यूटिलाइज द फैकल्टी एट इट बेस्ट. थैंक यू सो मच.